तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इज। तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड ऑर्डर के। या मैं बॉन्ड ऑर्डर लिख सकता हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अब इन सब में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में पहला जो दिया हुआ है वो है CO32-, इसका मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। CO32- इस तरीके से बनता है। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने की मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, वो ट्रिक क्या थी कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो कि यहाँ पे चार है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बाद डिवाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो डबल बॉन्ड है ये कितने बॉन्ड्स पे रेजोनेंस करेगा वो भी आप देख सकते हो। तो ये तीन बॉन्ड के ऊपर रेजोनेंस कर रहा है। तब मतलब अगर आप फार्मूले से निकालना चाहो तो अपना फार्मूला लगा करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में है CO2। तो CO2 इस तरीके से बनता है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो 2 आ रहा है, क्योंकि तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बनता है C BO। यहाँ पे प्लस रहता है या माइनस रहता है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो 3 आएगा। आप लोगों को आई होप ये सब पता होगा। तो बॉन्ड लेंथ हम लोग देख लेते हैं, इसकी 4/3 होगा आपका, 1.33। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ जो होगी वो किसकी होगी, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी वो किसकी होगी, CO32- की। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम आ रहा है, इसके बाद CO2 की, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है। और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ, सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी वो किसकी होगी, CO की, ठीक है। ये बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो हम लोग देख सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर किसका सबसे ज़्यादा है, CO का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी CO की, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी CO32- की। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा।